भी है एक्चुअली फैमिली को समझने के लिए प्रॉपर मूवी है, अपनी फैमिली को समझ सकते हैं जी। करण जौहर इज अ ग्रेट, आई थिंक ग्रेट डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, एंड एट प्रेजेंट टाइम ही वर्क डेफिनेटली गुड इन दिस मूवी। सो सारी मुझे अब तक की तो मुझे ये बेस्ट लगी कि स्टोरी बहुत अच्छी थी। आई थिंक काफ़ी टाइम बाद तो ये फैमिली एंटरटेनर आई है जो आप फिल्म परिवार के साथ देख सकते हो। ऑसम। अभी तो फिलहाल आज फर्स्ट डे था तो उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी अच्छी लगी। अब नंबर झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, प्लस लव स्टोरी है। हाँ जी। अभी तो फिलहाल आज फर्स्ट डे था तो उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी अच्छी लगी। अब भीड़ ज़्यादा खास नहीं थी, सेकेंड शो था, ऐसा अच्छी नहीं थी स्टोरी, लव स्टोरी थी। सारे ही सही थे। भाई भाई कैसी मूवी 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 है भाई? Amazing movie. बहुत बढ़िया movie है, बहुत बढ़िया। सॉरी स्टोरी एकदम इमोशनल स्टोरी है, बिल्कुल फुल ड्रामा, मजा एकदम फुल, अच्छी मूवी है, बिल्कुल यंगस्टर के लिए है, उनके लिए भी है एक्चुअली। फैमिली को समझने के लिए प्रॉपर मूवी है, अपनी फैमिली को समझ सकते हैं जी। हम मैसेज यही है कि सर अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालिए और उनको प्यार दीजिए, ऐसे बहुत अच्छी मूवी है। मूवी के सॉन्ग भी बढ़िया है, 10 में से 9। एक नंबर इमोशन करण जो है ना, एक नंबर पिक्चर बनाई है और इस पिक्चर में सबसे ज़्यादा इमोशन है। मतलब लास्ट में भी आप देखोगे तो रोना आ जाएगा पूरा पिक्चर देख के। मतलब और एक्शन भी है थोड़ा रणवीर सिंह का, बट ज़्यादा इमोशन है इसमें पिक्चर में, सबसे ज़्यादा इमोशन है। और उनकी लव स्टोरी दिखाई गई है, फिर टूट जाती है, फिर हो जाती है, लास्ट में बहुत मज़ा आएगा पिक्चर को देखने में। मगर सभी लोग ये सोचना कि मतलब एक टिश्यू लेके बैठो क्योंकि रोना पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा भी। प्रोडक्शन मूवी बहुत टाइम बाद आई है, क्या लगता है चलेगी? चलेगी चलेगी, अच्छी अच्छी मूवी है। हाँ मतलब फैमिली के साथ आप ये पिक्चर को देख सकते हैं, मतलब सभी लोग देख सकते हैं पिक्चर को। मतलब उन्हें करना क्या है मूवी में, और उन्होंने मतलब उस हिसाब से रिश्ते को निभाया है कि वो सोच नहीं सकते हैं। सो गुड रिलेशनशिप एंड गुड मूवी। सॉन्ग म्यूजिक काफ़ी अच्छा है, बट नॉट एज एक्सपेक्टेड, जस्ट लाइक अ करण जौहर मूवी, बट वी एन्जॉय टू सॉन्ग एंड वन इज़ अबाउट द हम तुम क्या मिले एंड अनदर इज यस 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 चमका। मूवी को रेटिंग 2/10 में से? ओबियसली 9 9। यस बढ़िया लगी मूवी, बहुत बढ़िया मूवी थी। सॉन्ग भी काफ़ी सारे अच्छे हैं इस मूवी के। मूवी देखी से पहले कोई? नहीं अभी तो मैंने फिलहाल कोई मूवी नहीं देखी, यही मुझे काफ़ी अच्छी मूवी लगी। हाँ देखी थी वो भी ठीक थी, मतलब उससे अच्छी ये लगी मुझे। सॉन्ग भी बढ़िया है, तुम मिले। रेटिंग वही 8 के करीब। हाँ मूवी देख कर आए। फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड्स अप टू करण जौहर, करण जौहर ने काफ़ी दिन बाद एक कोई मूवी डायरेक्ट की है, और जितना भी कहूँ इस मूवी के बारे में कम है। इमोशन है, म्यूज़िक अच्छा है, डायलॉग्स भी अच्छे हैं, और रणवीर सिंह तो पता ही है आपको, ही इज़ ऑसम, बट एवर द करेक्टर यू गेव टू हिम ही डिड ट्रेमेंडस जॉब विद दैट, एंड होपफुली यू विल ऑल्सो सी दिस पिक्चर। की जोड़ी कैसे लगी? गजब गजब, सेकेंड टाइम दे आर कमिंग टुगेदर आफ्टर गली बॉय, सो दे आर गजब, सुपर्ब, ऑसम सॉन्ग, आउटस्टैंडिंग, एवरीथिंग इज सुपर्ब। झुमका गिरा रे, झुमका वाला तो है ही पुराना, और भी जो एंड में उसका लिरिक्स मुझे याद नहीं है, जो शादी होती है, हाँ वो दैट वॉज ऑसम। हाँ एंड धर्मा प्रोडक्शन की मूवी आपने देखी है इससे पहले? जो जैसे कभी खुशी कभी गम होगा, ये कल है? हाँ काफ़ी देखी है सारी मुझे अब तक की, ये तो मुझे ये बेस्ट लगी कि स्टोरी बहुत अच्छी थी। आई थिंक काफ़ी टाइम बाद कोई एक फैमिली एंटरटेनर आई है जो आप फिल्म परिवार के साथ देख सकते हो। ऑसम, बहुत बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी। हाँ फैमिली में मूवी, नहीं नहीं किसिंग किसिंग तो जो नॉर्मल चीज़ है, ये तो हर फिल्म में आपको मिलेगी, तो कोई दिक्कत किस, सिर्फ ऐसे वैसे कोई सीन नहीं है, सिर्फ किसिंग है और कोई इसमें ऐसा वो नहीं है। हाँ नहीं किसिंग, 3-4 किसिंग है इसमें, मैं 3-4 किसिंग सीन है। मूवी 10 out of 8। फैमिली के साथ एक नंबर। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, देखना था मूवी को। 10 में से मतलब 9 ज़्यादा।
एकदम बढ़िया। जैसे कि मैंने देखा गली बॉय है ना, इसकी मूवी आई थी गली बॉय, उससे तो बहुत अच्छी मूवी है ये, है ना। अब जो आई है ये वाली मूवी बहुत अच्छी है, इसके सॉन्ग भी बहुत अच्छे हैं, ये फैमिली पर्पज से मूवी है ये ना। जैसे कि आप देख रहे हो इसकी ये रिलेशन था बहुत अच्छा था, जैसे कि इसमें जो दादी दिखाई गई है ना, वो ना थोड़ा एंग्री टाइप की है, बट लास्ट में वो भी सुधर गई थी। हाँ जी, बहुत ही अच्छे 9 या इट इज़ अ गुड मूवी। एंड एट प्रेजेंट टाइम आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी एज अ UPSC एस्पिरेंट आई फाउंड मैनी थिंग्स जस्ट लाइक अ कल्चरल इंसिडेंट्स एंड प्लेस दैट द मूवी हैव कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसे तरीके से संजोई हैं कि एक रिश्ते को संभालने के लिए क्या किया जा सकता है, या मतलब दो लोगों के बीच में कितना कंसेंसस होना चाहिए रिलेटेड टू द रिलेशन, वो काफ़ी चीज़ें अच्छी बताई हैं। एंड दिस मूवी इज़ टू लॉन्ग लास्टिंग और ये काफ़ी अच्छी चलेगी। प्रोडक्शन की मूवी जो करण जौहर लेके आते हैं वो थोड़ी इमोशनल टाइप ज़्यादा होती है, फैमिली से कनेक्ट करने वाली, तो ये है कि नहीं? ओबियसली करण जौहर इज अ ग्रेट, आई थिंक ग्रेट डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, एंड एट प्रेजेंट टाइम ही वर्क डेफिनेटली गुड इन दिस मूवी। सो ही मेंटेन द डिग्निटी दैट ही हैड अर्लियर इन, मतलब अकॉर्डिंग टू द पास्ट मूवीज जस्ट लाइक अ आई थिंक यस ओबियसली ओबियसली गुड, बोथ आर मैरिड एंड दे हैव अ, मतलब उन्हें सबसे बड़ी बात है उन्हें पता है कि मूवी अच्छी है, ठीक है, ऑसम, मतलब वन टाइम है लाइक। हाँ हाँ, फैमिली है, फैमिली मूवी, अच्छी स्टोरी है, फैमिली ऐसी मूवी है, मस्त एकदम। ऐसी मूवी है बहुत अच्छे हैं ना, मतलब मैंने देखी होगी, मैंने ज़्यादा मूवीज नहीं देखी। हाँ अच्छी है, सेवन। कैसी मूवी है मैम, कैसी मूवी है, कैसी मूवी है सॉरी कैसी मूवी है, कैसी मूवी है, कैसी मूवी है, कैसी मूवी मूवी हमें बहुत अच्छी लगी। मूवी में सारा मिश्रण था, फैमिली, लव, ड्रामा, इमोशन, सस्पेंस, मूवी बहुत अच्छी है। रणवीर सिंह की जो एक्टिंग थी बहुत प्यारी थी, रेटिंग परफेक्ट। कैसी मूवी, कैसी मूवी, कुछ खास नहीं है, 7/10। कैसी मूवी भाई, अच्छी है, अच्छी मूवी है, ड्रामेटिक है काफ़ी। हाँ बहुत सारी मूवीज देखी हमने, डिफरेंट क्या, मतलब ये वन टाइम वॉच है, अच्छी मूवी है, ड्रामेटिक, हाँ देख सकते हैं, अच्छा 10/8। वेरी नाइस। कैसी मूवी बताइए, अभी आई कैमरा कौन होगा, कैमरा जी मैम, कैसी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, कैसी मूवी है यार, पीछे से पूछिएगा ना, ये भी विलिंगनेस होनी चाहिए भाई, कैसी मूवी, थैंक यू सर, बेस्ट, कैसी मूवी भैया, मुझे तो बेकार लगी स्टोरीज की। हाँ सॉन्ग्स तो उसके ज़्यादातर तो चोरी करे गए सॉन्ग्स हैं उसके, हाँ एक ही सॉन्ग्स है जो खुद से बनाए गए हैं लोगों ने, झुमका है एक, झुमका वाला उसकी तो ऐसी तैसी मार दी, गाली नहीं दे रहा हूँ वीडियो के चक्कर में, ऐसी तैसी मार दी उस सॉन्ग की, तो बाकी मैं इस मूवी के ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा इस बारे में, बहुत बेकार मूवी है, नहीं मैं बोलना ही नहीं चाहूँगा। करण जौहर की मूवी देखी है यार, मूवी अच्छी है, ठीक है, ऑसम ऑसम, मतलब वन टाइम है लाइक। हाँ हाँ, फैमिली है, फैमिली मूवी, अच्छी स्टोरी है, फैमिली, ऐसी मूवी है, मस्त एकदम।
कैसी मूवी है? बहुत अच्छे हैं ना, मतलब मैंने देखी होगी, मैंने ज़्यादा मूवीज नहीं देखी। हाँ अच्छी है। सेवन सेवन